सुबाई ये बिल है आपका 1,75,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पीसी, जो कि हमारे मोहित धोबले भाई का। मोहित धोबले भाई रहते हैं नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखें और सीधे बताते हैं आपको कौन से इसमें हम लोग लगा रहे हैं कंपोनेंट। तो देखो, सबसे पहले जो कंपोनेंट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं लियानली की लैन कूल मैश 2 कैबिनेट। ये कैबिनेट अभी अंकित आएगा, इसको अनबॉक्स करेगा, अनबॉक्स करके फिर दिखाएगा आपको, फिर मैं आपको दिखाएंगे। डोंट वरी, फुल सीड पे आकर ये देख लो, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर प्राइस की, तो अराउंड 8,000 से लेके 9,000 के बीच आपको ये कैबिनेट कॉस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें तीन फैन तो आपके फ्रंट में आते हैं 120mm के, पीछे इसमें कोई भी फैन नहीं आता, तो इसलिए हम लोग पीछे एक लगा रहे हैं इसमें कूलर मास्टर का हेलो फैन ब्लैक। ये तीन किट आती है, इसमें से हम सिंगल एक फैन लगाएंगे, जिसकी कॉस्टिंग, एक फैन की कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड आपको 1200 के आसपास। उसके बाद जो देखिए, इसमें मदरबोर्ड हम लोग लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2। एक आता था इसका नॉर्मल वाईफाई, एक अब ये आता है अपग्रेडेड वर्जन वाईफाई 2, जिसमें आपको विंडोज 11 रेडी दिया गया है और AMD 5th जनरेशन डेस्कटॉप रेडी दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए, ये रहा इसका सीरियल नंबर और ये रही इसकी सील, ठीक है। देखिए, और हम जरा सील ब्रेक करके भी सोच रहे हैं आपको दिखाई दें, तो भी बुलाओ नहीं, सील ब्रेक मैं बाद में करूंगा, अंकित आएगा, अंकित सील ब्रेक करेगा और लगा सीधे कंपोनेंट को लगा देगा, ठीक। और बात करने का प्राइस की, तो ये आजकल, पहले तो ये पता है, पहले थोड़ा कॉस्टिंग आती थी 500 रुपये नीचे, लेकिन अब ये अपनी कॉस्टिंग से 500 रुपये ऊपर हो गया है, क्योंकि वाईफाई 2 आ गया है, ठीक है। और अराउंड 20,000 के आसपास इसका प्राइस फ्लक्चुएट किया करता है। उसके बाद जो इसमें हम लोग लिक्विड कूलर लगा रहे हैं, वो लगवा रहे हैं लियानली गैलाहट 240mm का ब्लैक, 240mm का लिक्विड कूलर लगा रहे हैं ब्लैक कलर का, जो कि बहुत अच्छा लिक्विड कूलर है, और इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड आपको अप्रोक्सीमेटली चलो 9,000 के आसपास। उसके बाद जो इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है, और हाँ भैया, इसको सब दिखा दें, सील भी लिक्विड को कहाँ गई सील की, ये देखो ये रही इसकी सील, ये देखो फुल सीड पैक है, ये देखो ठीक, फुल सीड पैक, और कहाँ गया सीरियल नंबर, ये रहा इसका सीरियल नंबर, ये देखो ठीक। उसके अलावा जो इसमें हम लोग प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं AMD Ryzen 7 1500X 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर, बेस 3.8, बूस्ट किया जाता 4.7, और ये रहा इसका सीरियल नंबर, और ये रही इसकी सील, देखो नीचे से भी, ठीक है। तो ये प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। अब Ryzen 7 5800X में आप कहोगे 240mm का ये क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, उसको इतनी ही नीड थी, इससे ज़्यादा उसको नीड नहीं थी। अब बात करें अगर कॉस्टिंग की, तो ये कॉस्ट करता है मांगे चलो आपको 35,000 से लेकर 37,000 के बीच में। उसके अलावा इसमें 512GB के NVMe यूज़ कर रहे हैं, 6800 जिसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 6,000 के आसपास। उसके अलावा पहले हम लोग इसमें यूज़ कर रहे थे 750W फुली मॉड्यूलर गोल्ड, उसके बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें MWE 650W फुली मॉड्यूलर गोल्ड 80+ गोल्ड सर्टिफाइड 5S वारंटी जाने वाली कूलर मास्टर की पावर सप्लाई, जो कि देखिए फुल सीट बैक पन्नी नहीं लगी हुई है। अपने थोड़ी सी वहाँ से कॉस्ट कटिंग की, एक पीछे हेलो फैन लगाया क्योंकि हमें एग्जॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ लगाना था, ठीक भाई। और कॉस्टिंग बात करें, तो ये कॉस्ट करती है आपको अराउंड मांगे चलो, मतलब डिस्क्रिप्शन में इन सारे कंपोनेंट्स के लिंक पड़े हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रैम यूज़ हो रही है, वो यूज़ हो रही है टी फोर्स की आपकी डेल्टा 8x2 3200MHz की वाइट लेके रैम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंड आउट होगा सिस्टम पूरा, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। कॉस्टिंग की बात करें, अराउंड 8,000 के आसपास ये कॉस्ट करती है। उसके बाद जो इस बिल्ड की जान है, 1,75,000 में आपको मिल रहा है आसूस की तरफ से आने वाला आसूस टफ गेमिंग G4 RTX 3060 Ti 8GB DDR6 बेस LHR कार्ड। और यहाँ से देखिए पहले यहाँ सील चेकआउट कीजिए आप इसकी, देखिए ये देखिए पूरा सील पैक, ये देखिए सील पैक, ठीक। उसके अलावा ये देखिए दूसरी सील लगी है, यहाँ से फुल सील पैक, ठीक। और सील नंबर ये देखिए, ये रहा इसका सीरियल नंबर, ठीक है। तो 1,75,000 में ये कंपोनेंट हमारे हो रहे हैं यूज। तो मोहित भाई, कैबिनेट आपकी अनबॉक्स हो गई है, देखने में ये कुछ इस टाइप की है, फ्रंट पे मेस दिया हुआ है और दोनों साइडों में भी मेस दिया हुआ है, और साथ में ये आपका टेम्पर्ड ग्लास के साथ दिया हुआ है, दोनों तरफ दिया हुआ है। अगर इसकी मतलब अगर फैन के बारे में देखा जाए, तो फ्रंट पे तीन फैन आते हैं,
ARGB के और बैक साइड में कोई फैन नहीं होता है। और टॉप की बात करें तो टॉप पे 280mm 240mm तक के रेडिएटर आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। और अब दूसरा कंपोनेंट आपका SMPS है, फटाक से इंस्टॉलेशन इसका दिखाते हैं। Time is over before you know you're older. So sober, alone, you get in my cold shoulder. You crying like it's rain, you causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down. सो भाई देखिए, कैबिनेट हमारी आपके सामने रखी हुई है, सिस्टम फुल A to Z बिल्ड हो चुका है, A to Z। अब मैं आपको धीरे दिखाता हूँ इस भाई साहब इस बिल्ड की ब्यूटी। तो भाई यहाँ से आप जैसे हटाते हो तो देखो ये फ्लैप खुला, यहाँ से आप खोलते हो तो ये देखो, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग लुक। लुक देखो सिस्टम कैसा लग रहा है विदाउट ऑन, मतलब ऑन किए बिना देखो आप। ग्राफिक कार्ड 3060 Ti लगा इसमें, आसूस का टफ गेमिंग और हेलो फैन, और लियानली का देखो इसमें लिक्विड कूलर लगा है विद लियानली का गैला हट का। देखो ये रहा इसका रेडिएटर, कैसा लग रहा है बताओ आप। और ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, ये देखो मैं खोल देता हूँ उसको, यहाँ से खोला मैंने, खोला और यहाँ से खोला, ये देखो ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, एक नंबर केबल मैनेजमेंट हुआ है, जैसा सारी कैबिनेट्स का होता है। ये इधर बंद हो गई, इधर बंद हो गई, अब हम कुछ नहीं करते हैं, अब इसमें सीधे आपको पावर लगा के ऑन करके दिखाते हैं। सो भाई लोग अब हम सीधे ऑन करते हैं ज़रा इसका पावर और आपको दिखाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, इन वन वर्ड इट लुक्स वाओ। सूफी सारी लाइट्स ऑफ करो पहले, तुम सारी सब लाइट्स ऑफ कर दो, इन सबको पहले हम दिखा दें इन लोगों को कि विदाउट लाइट्स क्या लुक मार रहा है। एक बार भाई आप इस पीसी का लुक देखो, 3 1 2 3 तीन ARGB फैन आपके फ्रंट में दे रखे हैं, और आपका एक ARGB फैन पीछे रखा है, और दो देखो लगाए हम लोगों ने, दो आपके AIU के फैन हो गए, और उसके अलावा आपका लियानली का देखिए गैला हेड हो गया, यहाँ पे रेडिएटर और T4C रैम और ASUS टफ गेमिंग का देखो यहाँ पे लोगो, जिसमें आपको RGB मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम का लुक कैसा लग रहा है यार आपको बताओ। देखो हमेशा हम सेम कैबिनेट इसलिए यूज़ नहीं करते ताकि कहीं आप लोग ना बोर हो जाओ, और कैबिनेट जो यूज़ होती हैं वो एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नीड या जो है जो हम लोगों को बेस्ट लगता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये चीज़ बेस्ट है। अब देखो सिस्टम आपका फुल रेडी हो गया है। ठीक, हम उसमें हमने विंडोज़ डाल दी है, और अच्छी बात देखो इसका जो पावर ऑन स्विच है ना वो भी इल्यूमिनेटेड है। ठीक, तो हम लोगों ने सीधे उसमें डाल दिया है, उन्होंने क्या बोलते हैं विंडोज़ वगैरह पड़ चुकी हैं, सॉफ्टवेयर पड़ चुकी हैं, बस रेडी टू मूव है। अभी उठ के जाएगा, पैकेजिंग होगा और निकल जाएगा। सूफी लाइट्स ऑन करो,
देखा लाइट ऑन करने के बाद कैसा लग रहा है दिखा दे भाई लोगों को। तो भाई लोगों को लाइट्स ऑन हो गई सारी, उसके बाद लुक कैसा आ रहा है ये देखो। परफॉर्मेंस नो डाउट 180,000 में वन ऑफ दी बेस्ट बिल्ड। अब आप लोग बोलोगे भाई आपने भी 2,00,000 में 5900 प्लस 3070 दिया था, तो भाई हर चीज डिपेंड करती है ओवरऑल चीजों पे कि किसमें क्या आया है और किसमें क्या आया है। इसमें देखो तो चीजें इसमें क्या क्या लगी हैं, और नो डाउट 2,00,000 रुपये आप बढ़ाओगे इसमें, मतलब 20-25,000 रुपये बढ़ा दो तो आपका 5900X और 3070 बहुत इजिली आ जाएगा। सो मोहित दोबले भाई आपका पीसी कंप्लीट हो चुका है और दोनों इसके पर यूं फैले हुए हैं, यूं देख रहे हो आप पैर, दोनों पर फैले हुए इसके, बस जो गियर लगा के हवा में उड़ने जा रहा है आपका पीसी। ऐसा इन्होंने डिजाइन बनाया है कि अगर खोल दो तो एकदम लगता ही नहीं है कि ये वो है, मतलब सीपीयू है, अजीब गरीब लगता है। लेकिन सही बताऊँ आपको लियनली कि इस कैबिनेट की जो क्या बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी है ना, वो अनमैचेबल है भाई, कोई मैच नहीं कर सकता इसकी बिल्ड क्वालिटी को। अल्टीमेट प्राइस के हिसाब से भाई साहब अल्टीमेट कैबिनेट है। नया पीसी अगर आप लोग को बाय करना हो तो हमारा स्टोर का नेम है मिस्टर पीसी वाले, हम लोग लखनऊ हजरतगंज से बिलोंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया पीसी शिप करते हैं। तो अगर नया पीसी बाय करना है आपको तो अंकित नंबर दिया हुआ 9532777775, उस पर जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमको फॉर्म मिलेगा फिल कर दीजिएगा, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे या आपसे इंस्टाग्राम से बात करते हैं। वेबसाइट हमारी बहुत जल्दी आने वाली है, स्टोर की ओपनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक भाई। सो वॉच के लिए इतना ऑलवेज, उसका तो ये खुशी सेफ रही इसी में खेल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। भैया कोई नया पीसी देख बाय करना है ये देखना है तो देखो वहीं यहीं कहीं वो आ रही होगी कि चल रही होगी, क्या बोलते हैं आपकी एंड स्क्रीन, उसमें देखना पड़े तो यहाँ भी बंदूक बात बहुत लोगों बिल्ड की हम लोगों ने, चेक कर लेना, मन करेगा, ठीक है भाई, बाय बाय।